आज ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात और पीएम मोदी को अगले साल ब्रिटेन में होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन का निमंत्रण देंगे। नोटबंदी को आज एक साल हुआ पूरा। आज के दिन को काला धन विरोधी दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। देश के 9 राज्यों में बीजेपी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे नोटबंदी के फायदे। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। स्मॉग के खतरे को देखते हुए एनसीआर के 5वीं तक के स्कूल बंद। पॉल्यूशन को देखते हुए 2 दिनों के लिए बंद किए गए सभी स्कूल। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को सेना ने गिराया मार। इस दौरान जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का भांजा अबू तलहा रशीद भी ढेर किया गया। मुठभेड़ में यूपी के बुलंदशहर का जवान रामपाल भाटी शहीद। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने आतंकवादी सरगना अजहर मसूद के भांजे के मारे जाने के बाद दिया बयान। बिपिन रावत ने कहा कि अजहर का भतीजा हो या बेटा, हम किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेंगे। जनरल रावत ने कहा कि हमारा एकमात्र मकसद आतंकवाद का सफाया है, फिर वो कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएस आतंकी अबू जैद को स्पेशल कोर्ट ने 4 दिनों के लिए एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। आतंकी अबू को मुंबई एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके साथ ही कहा कैश कम होने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कठिन जरूर हो जाएगा। ज्यादा कैश से भ्रष्टाचार होता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। मनमोहन सिंह ने कहा है कि जीएसटी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा, ये बहुत बड़ी लूट है। गुजरात के नारनपुरा से गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान की शुरुआत की बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने। अब ये लोग घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे। तिरुवनंतपुरम T20 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 रन से मात देकर 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। विराट ब्रिगेड ने इस तरह वनडे के बाद T20 सीरीज में भी कीवियों को शिकस्त देकर दौरे का अंत किया। ये टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 फॉर्मेट में पहली सीरीज। योगी कैबिनेट की बैठक में 5 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। इलाहाबाद में 3 अंडरपास बनाने के फैसले पर लगी मोहर। सहकारिता विभाग को लेकर भी किया गया अहम फैसला। जहां जहां कार्यकाल पूरा वहां प्रशासक बैठाने का फैसला। 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुलायम सिंह पर केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। राणा संग्राम सिंह ने दाखिल की याचिका। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा आरओ का पानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए 30 नवंबर तक आरओ लगाने के निर्देश। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के सचिव से 5 दिसंबर को मांगी अनुपालन रिपोर्ट। सूबे में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में चल रहे आयुष अस्पतालों के डॉक्टर पीएससी में आएंगे। 1000 एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होंगे संविदा पर नियुक्त। 7 महीने में 4000 डॉक्टरों की कमी होगी दूर। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच अब लखनऊ में इंजीनियर्स की टीम करेगी। मुख्य सचिव के आदेश पर 10 इंजीनियर काम की गुणवत्ता जांचेंगे। 15 दिन में टीम सीएस को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब यूपी में ज्यादा फीस वसूलने वाले 20,000 से ज्यादा स्कूलों पर शिकंजा कसने वाला है सरकार। किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर होने वाली वसूली को करेगी बंद। अब स्कूल 5% ही अधिकतम फीस बढ़ा सकेंगे। एनटीपीसी हादसे के 6 दिन बीत जाने के बाद भी किसी लापरवाह अधिकारी और उसके गुनहगारों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। पीड़ितों के परिजनों की माने तो उनकी सरकार से मांगे कि हादसे में लापरवाह अधिकारियों पर मामला दर्ज किया जाए। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण कम करने का आरोप लगाया। मायावती ने निजी सेक्टर में एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की। प्राइवेट सेक्टर को ही जब से दिए जा रहे हैं तो तब से ही बीएसपी दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से लगातार मांग कर रही है।